जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज आप सबके सामने आया हूँ दोस्तों, एक और नई औषधि लेकर के जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और हमारा चैनल आप सुनते आ रहे हैं लगातार, हमारे हेल्थ टिप्स सुनते आ रहे हैं आप, इसके लिए शुक्रिया। आइए, आज हम एक नई औषधि लेके आए हैं आपके लिए जो कि चमत्कारिक औषधि है दोस्तों, जो कि एक चमत्कारिक औषधि है दोस्तों, शहद। जी हाँ, शहद के फायदे, लाभ एवं गुण। शहद को प्राचीन काल से ही औषधीय उपयोग में लाया जाता है। ये माना जाता है कि लगभग 800 सालों से शहद हमारे खान पान का हिस्सा रहा है। शुद्ध शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि लंबे समय तक रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है। मतलब शहद की सबसे बड़ी खूबी ये होती है दोस्तों कि अगर हम बहुत दिनों तक उसे रख भी दें, स्टोर भी कर दें, तो ये ख़राब नहीं होता है, और ये वैसे ही मीठा होता है। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं हम आपको आज बताते हैं। शहद याददाश्त तेज तर्रार करता है। जी हाँ, याददाश्त को बढ़ाता है शहद। कमज़ोर तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है। शहद काम शक्ति वर्धक माना गया है। जी हाँ, इसका सेवन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिसकी बदौलत काम शक्ति बढ़ जाती है पुरुषों और औरतों की। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं शहद में दोस्तों, और इनका उपयोग आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारे मानव शरीर में क्या क्या है। मनु का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद माना जाता है। जी हाँ, मनु का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद माना जाता है। ऐसा इस शहद में पाए जाने वाले खास एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से है। यह शहद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। शहद का नियमित सेवन खोई हुई शक्ति वापस लौट आता है और शरीर को सुंदर, स्फूर्तिवान, बलवान, दीर्घजीवी और सुडौल बनाता है दोस्तों। चूंकि शहद एक हाइपरस्मोटिक एजेंट है, इसलिए इसे घाव पर लगाने से यह घाव का तरल निकाल देता है, उस स्थान से बैक्टीरिया नष्ट करके शीघ्र भरपाई करता है। यानी कि आपको घाव हुआ है तो उस पर आप शहद लगाते हैं तो इसमें गर्मी होती है, अगर आम लैंग्वेज में हम बोलें तो, जिसकी बदौलत होता क्या है दोस्तों कि हमारी बॉडी से यानी कि हमारे घाव में से मवी निकल जाते हैं, तो हमारा घाव जो होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। घाव पर शहद सीधे लगाने की बजाय इसे पट्टी या रुई पर लगा कर फिर घाव पर लगाना चाहिए। टाइफाइड निमोनिया में शहद सेवन लीवर और आंतों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। पेशाब के इन्फेक्शन में दालचीनी पाउडर और शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से बैक्टीरिया दूर होती है और आराम मिलता है दोस्तों। शुद्ध शहद आँखों में लगाने पर जलन होती है परंतु चिपचिपाहट नहीं होती है। यह उपाय नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा दोस्तों कि शहद खाने के हमारे लाइफ में क्या क्या फ़ायदा है। वैसे गर्मियों में अगर हम शहद का सेवन करते हैं तो भी हमारे लिए शीतलता प्रदान करता है। ये शहद एक बहुत ही गुणकारी औषधि है दोस्तों। इसका समुचित और उचित मात्रा में सदुपयोग के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नए टॉपिक को लेकर के, एक नई औषधि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।